बेटा आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। अब ये बताओ बेटा मुझे, लेंस बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? लेंस बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी जिसके अंदर से लाइट आर पार चली जाए उस मटीरियल की, ठीक है ना। तो लाइट जिसके आस पार आर पार चली जा सके उस मटेरियल की ज़रूरत होगी ना। तो अगर हम देखें वाटर के अंदर से जा सकती है, ग्लास के अंदर से जा सकती है, ठीक है, और प्लास्टिक के अंदर से, अगर हम प्लास्टिक अगर बात करें, कुछ प्लास्टिक ऐसे भी हैं जिसके अंदर से लाइट आर पार चली जाए, ठीक है ना, मतलब बनाए जा सकते हैं ना ऐसे प्लास्टिक भी। लेकिन क्ले जो है ना, क्ले के अंदर से लाइट आर पार नहीं जा सकती। तो ए लेंस अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट सिंस क्ले डज नॉट शो सच प्रॉपर्टी इट कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। तो इसका मतलब क्ले एक लेंस बनाने के लिए यूज नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट विच वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ, कनकेव मिरर है और इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है, और ऑब्जेक्ट के साइज से क्या है? बड़ी, ठीक है। केवल एक ही केस है ना, ठीक है। कौन सा केस है? अगर एफ और पी के बीच में रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट को हम एफ और पी के बीच में रखेंगे कनकेव मिरर के केस में, तो इमेज बनेगी वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सारे केस हमने कर रखे हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन क्या है? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, गलत है। दूसरा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। तीसरा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत है। चौथा, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, ये आंसर सही है बेटा, ठीक है ना। तो अगर हम एफ और पी के बीच में रखेंगे तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी? बिहाइंड द मिरर बनेगी, और कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, लार्ज बनेगी, ठीक है ना, साइज में लार्ज बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द लेंस। बेटा साइज ऑफ द लेंस के लिए देखो, एक ही कंडीशन बताई थी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के लिए कहाँ पे होता है? 2f पे होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने के इक्वल होता है? 2f के इक्वल होता है ना। तो मतलब 2f पे जो होगा पॉइंट, वो हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बोल रहा है कि कहाँ पे रियल इमेज बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी, तो कहाँ पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब 2f पे। तो ट्वाइस द फोकल लेंथ, बी ऑप्शन सही है। तो एट द प्रिंसिपल फोकस, गलत है। ट्वाइस द फोकल लेंथ सही है, इनफिन बाकी सारे क्या हैं? गलत हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल इन्वर्टेड एंड द सेम इन साइज। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होता है? 2f पे होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ए फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, और इनका जो फोकल लेंथ क्या है? -15 सेंटीमीटर है। माइनस मतलब किस में आता है? कनकेव के केस में ही आता है। तो द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी बोथ कनकेव, कनकेव के केस में आएगा, दोनों कनकेव होना चाहिए, ठीक है। तो बाय द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस आर टेकन एज नेगेटिव, तो हैंस बोथ द स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस आर कनकेव इन नेचर, तो दोनों कनकेव होने चाहिए भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर, कितनी भी दूर हो, यूर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज सीधी ही बनेगी। तो मिरर कैसा होना चाहिए भाई? तो कितनी भी दूर हो इमेज कैसी होगी? सीधी होगी। तो मिरर कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है प्लेन होना चाहिए, कनकेव होना चाहिए, कन्वेक्स होना चाहिए। प्लेन और कन्वेक्स दोनों भी चल सकते हैं। देखो कन्वेक्स भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है और प्लेन भी देता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो गया। तो प्लेन और कन्वेक्स दोनों होने चाहिए भाई, दोनों मतलब हो सकते हैं, प्लेन भी दे सकता है हमें इरेक्ट इमेज और कन्वेक्स भी। तो ऑप्शन हमारा क्या आ गया? डी आ गया। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड हैव सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, सेवन्थ और ये आ गया हमारे पास सिक्स्थ।
विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन ए डिक्शनरी? छोटे अक्षरों को देखने के लिए कौन सा लेंस ज़रूरी है भाई? ठीक है, अक्षर क्या हैं? छोटे हैं, छोटे हैं ना, तो जो नियर पॉइंट क्या होना चाहिए? नज़दीक होना चाहिए। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें तो लेंस कौन सा हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक कन्वेक्स लेंस गिव्स ए मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंस। आल्सो मैग्नीफिकेशन इज मोर फॉर कन्वेक्स लेंस हैविंग शॉर्टर फोकल लेंथ। जितनी ज़्यादा छोटी फोकल लेंथ होगी उतनी ही मैग्नीफिकेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना, और स्मॉल लेटर को पढ़ने के लिए कन्वेक्स लेंस होना चाहिए और जिसकी फोकल लेंथ भी छोटी होनी चाहिए। 50 वाली बड़ी होगी, छोटी होनी चाहिए। कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी ठीक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज बनानी है बेटा यूजिंग ए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर की हेल्प से, ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर के केस में इरेक्ट इमेज केवल एक ही केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखेंगे। ठीक है ना, आगे क्या बोला? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? मिरर से कितनी दूर होना चाहिए? एफ और पी के बीच में होना चाहिए ना ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, और मैग्नीफाइड बनेगी। इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर? लार्जर तो बनेगी। ठीक है, और ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम क्या है? बिहाइंड द मिरर हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, दे रखा देखो, बिहाइंड द मिरर इमेज कहाँ बनी हुई है? बिहाइंड द मिरर बनी हुई है। और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? एफ और पी के बीच में, जो ए बी ऑब्जेक्ट है ये कहाँ है? एफ और पी के बीच में है। 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? 0 से 15 के बीच में होगा भाई। ठीक है, कनकेव मिरर होगा, पोल उसका पी होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ मान लिया। हैंस टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड द फोकस, एफ और पी के बीच में कहीं भी रख सकते हो आप। तो दो इमेज जो बनेगी हमारी क्या बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट्स ऑफ कार, इसके लिए कौन सा मिरर होगा? कनकेव। ठीक है, साइड मिरर, साइड जो रियर व्यू के लिए हम कौन सा इरेक्ट इमेज बननी चाहिए ना उसके लिए, तो और बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बननी चाहिए, तो कन्वेक्स ही कर सकता है ऐसा काम, तो उसके लिए क्या होगा? कन्वेक्स, तो सेकंड का कन्वेक्स आ गया। थर्ड, सोलर फर्नेस के लिए कनकेव होने चाहिए भाई, क्योंकि वो क्या करेगा? सारी की सारी जो पैरेलल रेज आ रही है सन रेज, उसको क्या करेगा? एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। नेक्स्ट है, ये सारे देख लेना, पढ़ लेना आप, मतलब जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था ये, एट्थ देखो क्वेश्चन क्या है। अगर हम कन्वेक्स लेंस के हाफ बाब को ब्लैक पेपर से कवर कर दें, मतलब आधा लेंस नीचे से क्या कर दिया, ढक दिया काले पेपर से, विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कम्प्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? वेरीफाई यूअर आंसर एक्सपेरिमेंटली। बेटा देखो, एक बार ध्यान से देखो इस फिगर को, तो फिगर में क्या दे रखा है कि भाई अगर हम देखो, अगर हम आधे भाग को हम नीचे से काला कर रहे हैं, जो आधा भाग है देखो, इसमें जो आधा भाग है उसको नीचे से काला कर रहे हैं या ऊपर से काला कर रहे हैं, मतलब आधे भाग को काला कर रहे हैं, एक बार नीचे से करके दिखा दिया उन्होंने और एक बार ऊपर से काला करके दिखा दिया, तो जब आधा भाग ऊपर से काला करके दिखाया देखो, तो इमेज नीचे बन रही है ना। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बन रही है? नीचे, और पूरी पूरी इमेज बन रही है। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा? द कन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंप्लीट इमेज बनेगी इवन इफ इट्स वन हाफ इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। अगर आधा भाग ब्लैक पेपर से कर दिया, तो वो ऊपर से किया तो भी देखो, अगर हम ऊपर से ब्लैक पेपर से कवर कर दिया आधा भाग,
तो देखो ये दोनों रे जो हैं वो नीचे से चली जाएंगी, और जब दो रे मिलेंगी तो हमें इमेज मिल जाएगी। तो इन दिस केस ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्रैक्टेड बाय द लोअर हाफ, नीचे वाले हाफ से चली जाएगी। तो जब ये दोनों मिलेंगी तो हमें क्या मिल जाएगी, इमेज, और इमेज भी हमें क्या मिलेगी, कम्प्लीट मिलेगी। और अगर हम ऊपर वाले के बजाय नीचे वाला भाग कर दें तो ये दोनों रे क्या होगी, ऊपर से चली जाएंगी। फिर जाना तो है इनको, ऊपर से मिल जाएगा रास्ता, नीचे वाला तो कवर है, तो दोनों रे ऊपर से मिल जाएंगी, चली जाएंगी, और जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो दोनों केस में हमें इमेज क्या बन रही, क्या मिल रही है बेटा, कंप्लीट इमेज मिल रही है। 10th क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। देखो क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब ये फ्रॉम आ रहा है ना, फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन के द्वारा हम क्या ले रहे थे, नेगेटिव ले रहे थे, तो अगर फ्रॉम आ रहा है तो क्या आ गया, नेगेटिव। तो यू की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, और एच ओ की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू रेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f, यू की वैल्यू है हमारे पास 1/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/f + 1/u हो जाएगी। तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी, -25 हमने पुट कर दी, तो 1/10 - 1/25, एलसीएम 250, वैसे 50 आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एलसीएम 50 आ गया, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 - 2, ठीक है। तो ये करके देख लेना, 15/250 दे रखा है जैसे इन्होंने, तो v में क्या हो जाएगा, फिर इसका उल्टा हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, 16.66 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ऊपर 250 की बजाय 50 एलसीएम आ सकता है, तो 50 एलसीएम आएगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 3/50 आ जाएगा, ठीक है। तो वापस अगर उल्टा करेंगे तो 50/3 का कितना आएगा, 16.66 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वी शोज दैट द इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो इसका मतलब पॉजिटिव भाग में क्या मतलब है भाई, इमेज कहाँ पे बनी है, दूसरी साइड में। अगर नेगेटिव आता तो इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में बनती, अब इमेज दूसरी साइड में बनी है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन क्या होगी, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, -v/u पुट कर दो तो ये हमारे पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसका फिगर दिखा रखा है उन्होंने, देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, 2f1 से पियॉन्ड रखा है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनी, f2 और 2f2 के बीच में बनी, 3.3 सेंटीमीटर की इमेज बनी, और इमेज डिस्टेंस कितनी होगी, 16.66 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और वो क्या बना रही है, इमेज बना रही है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है, फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, तो लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, रे डायग्राम बनाना है। लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15, कनकेव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, -15, ठीक है। अब इमेज क्या है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस दे रखी है, फ्रॉम द लेंस मतलब इमेज कैसी है, नेगेटिव, तो v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर। u निकल जाएगा, फार्मूला हमें पता है 1/v - 1/u = 1/f, f की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, पुट करने के बाद u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो u की वैल्यू कितनी आई, -30 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, तो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ u इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है ना, फ्रॉम द लेंस वाली बात आ गई। तो दिस इज शोन दैट, ये जो हमारे रे डायग्राम हमें दिखाई रखा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे, ऑब्जेक्ट 2f1 पे है, ठीक है। तो ये हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, f1 और o के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है, डिमिनिश, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 10 सेंटीमीटर
फ्रॉम दे रखा है तो फ्रॉम दे रखा है तो नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 आ गई, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो f की वैल्यू +15 आ गई, ठीक है। मिरर फार्मूला लगा दिया, मिरर फार्मूला हमें पता है, लेंस फार्मूला तो 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f, और मिरर क्या है 1/v +1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, बाकी वैल्यू पुट करने के बाद तो v की वैल्यू फिर उल्टा कर देंगे उसका, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इंडिकेट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, फार्मूला हमें पता है, -v/u का फार्मूला लगा दो, तो -v/u पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास +0.6 m की वैल्यू। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। 13th क्वेश्चन देखो, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। तो जो मैग्नीफिकेशन है एक प्लेन मिरर की वो +1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो ऑब्जेक्ट, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वही हाइट ऑफ इमेज भी होगी, दोनों की हाइट क्या होगी सेम होगी, ठीक है ना। तो +1 का यही मतलब है। और पॉजिटिव साइन क्या दिखा रहा है कि भाई जो इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, मतलब ऊपर की तरफ होगी, पॉजिटिव मतलब सीधी होगी इमेज हमारी, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है इमेज उसकी उल्टी हो जाए, इमेज भी क्या होगी सीधी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। देखो क्या क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। इन फ्रंट मतलब फ्रॉम द मिरर वाली बात आ गई 20 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू माइनस आ गई, तो -20 सेंटीमीटर। एच 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और आर की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 2 × फोकल लेंथ, तो 2 × एफ, एफ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया भाई यहाँ से, ठीक है। तो f की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू है तो v की वैल्यू निकल जाएगी, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई -8.57। तो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पॉजिटिव अगर v की वैल्यू आ जाए तो इमेज कहाँ है, मिरर के पीछे है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होती है, इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, -v/u। तो v की वैल्यू पॉजिटिव है तो -8.57 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू नेगेटिव है तो -20, माइनस से माइनस कट गया तो 0.428 आ गई मैग्नीफिकेशन। द पॉजिटिव वैल्यू हमें इंडिकेट दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आ जाए तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है बेटा। तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आई, छोटी आई ऑब्जेक्ट की, तो हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, इमेज कितनी आई 2.14 सेंटीमीटर। तो द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। 15th क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है। अब इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर है तो 27 नेगेटिव हो गया, तो यू की वैल्यू -27, फोकल लेंथ एफ की वैल्यू दे रखी है, कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है ना, तो एफ की वैल्यू -18 होगी, ठीक है। अब मिरर फार्मूला लगा दो, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो यहाँ से 1/v की वैल्यू आ जाएगी, तो v की वैल्यू नेगेटिव आई, इसका मतलब फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर नहीं बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी इमेज। अगर बिहाइंड द मिरर होती तो पॉजिटिव आती, अब नेगेटिव आई है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, ठीक है। तो कितनी दूरी पे, 54 सेंटीमीटर पे। मैग्नीफिकेशन क्या है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस के v/u, तो v की वैल्यू -54 और u की वैल्यू 27, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। तो द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज कैसी है रियल, पॉजिटिव वैल्यू में तो वर्चुअल, नेगेटिव में रियल, ठीक है। और अगर हम जैसे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइट भी आ गई तो ये क्या इंडिकेट कर रही है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। हाइट भी अगर नेगेटिव आ जाए तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर दे रखी है, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है भाई। पावर का फार्मूला क्या है, p = 1/f,
ठीक है, पी कितना दे रखा है माइनस के 2D, तो एफ कितना आ जाएगा माइनस के 1/2, कितना आया माइनस के 0.5 मीटर आ गया। ठीक है, अब फोकल लेंथ नेगेटिव किसकी होती है, कनकेव की, तो ये लेंस कौन सा हो गया, कनकेव लेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड एक करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5D, प्लस 1.5 प्लस फोकल वो जो पावर किसकी होती है बेटा, कन्वेक्स की होती है, प्लस किसकी होती है, कन्वेक्स की, और कन्वेक्स किस में यूज किया जाता है, कन्वेक्स किया जाता है जो लॉन्ग साइटनेस है ना जो, ठीक है ना, सेकंड वाला हाइपरमेट्रोपिया, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तो अब प्लस 5 तो कौन सा है, कन्वर्जिंग है ना। ठीक है, तो पावर बस केवल इसने ये पूछ रखा है कि डाइवर्जिंग होगा कि कन्वर्जिंग होगा, तो हमारे पास पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो कैसा होगा, कैसा होगा बेटा, कन्वर्जिंग होगा। ठीक है ना, कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। तो पावर कितनी है 1.5, तो फोकल लेंथ 1/1.5, 10/15, तो 0.66 मीटर हमारे पास क्या आएगी, फोकल लेंथ आएगी। तो ए कन्वेक्स लेंस हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ, हैंस इट इज़ ए कन्वेक्स लेंस और ए कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये थे हमारे बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन ह्यूमन आई वाला है वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।